वे वेलकम बैक टू और न्यू वीडियो और आज की वीडियो में मैं आपको इकनॉमिक प्रॉब्लम और उसकी नेचर बताऊँगी ठीक है हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स पार्ट वन आई कॉम का तो इसकी मैं आपको ये बताती हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं ठीक है थीके? सबसे पहले देखें हमने ये तीन इसके स्कोप जे एम तीन डेफिनेशन में हमने इसके तीन स्कोप पढ़े थे ठीक है इकनॉमिक्स के अब इन तीनों को हम लोग फर्दर एक्सप्लेन करते हैं इकनॉमिक प्रॉब्लम एंड इट्स नेचर एज ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड and resources for the fulfillment of those wants are limited, so man tries to fulfill his maximum wants with these limited resources, ठीक है ये बहुत डीप बात की हुई है इन्होंने इन्होंने कहा कि इंसानी जरूरियात, ख्वाहिशात हैं जो वो बेतहाशा कभी ना ख़त्म होने वाली ठीक है अनलिमिटेड हैं और जो उनको पूरा करने के लिए resources हैं उनको पूरा करने के तरीक़े हैं वो तो लिमिटेड हैं ठीक है वो तो, है, वो तो एक हद तक है ठीक है जैसे आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिए आपकी सिर्फ एक जॉब है ठीक है आप फॉर एग्जांपल जॉब करते हैं उसकी जो सैलरी है वो थर्टी थाउजेंड रुपीज़ हैं तो आपकी जो वो अमाउंट है वो लिमिटेड थर्टी थाउजेंड रुपीज़ हैं आपकी बेतहाशा ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आगे समझ में और जो मैन है एक बंदा है ट्राइज टू फुलफिल हिज मैक्सिमम वार वस विद दीज लिमिटेड रिसोस अब वो बंदा जिसकी थर्टी थाउजेंड सैलरी है वो यही चाहेगा कि उसकी ज़्यादा से ज्यादा ज़रूरियात जो हैं वो पूरी हो जाएँ ठीक है तो दिस गिव राइज टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम ठीक है यही जो बात है ना ये जो मैंने भी आपको बात समझाई है यही जो बात है ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो राइज करती है इससे हमारे इकोनॉमिक्स में जो है वो प्रॉब्लम पैदा होती है बिकॉज ऑल वांट्स कैन नॉट बी फुलफ़िल सिमल्टेनियसली ठीक है मतलब कि कोई भी वांट कोई भी ज़रूरिया कोई भी ख्वाहिश एक साथ एक के बाद एक करके पूरी नहीं हो सकती ठीक है सो ह्यूमन बींग सेट प्रियोरिटीज इन देयर वैट वाई इकोनॉमिक्ड दाइंस एज ए चॉइस ऑफ इकॉनमिक इसी वजह से इसको साइंस करार दिया हुआ है ठीक है समझ तो आगे हो गया आपको मैंने भी जो पैराग्राफ समझाया है इसमें यही था कि इंसानी जो ख्वाहिशात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्स हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत मिनिमम है ठीक है मतलब जो बहुत लिमिटेड हैं वो और जो लिमिटेड हैं ठीक है तो इंसान चाहता है कि वो जो है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात और ज़रूरियात जो हैं वो उसी लिमिटेड रिसोर्स में पूरा करें तो ये जो अगर पूरी ना हो सके ना वो ज़ाहिर है देखें अब तीस हज़ार के अंदर तो सब कुछ नहीं हो सकता ठीक है इंसान की पूरी ज़िंदगी की ख्वाहिशात जो है वो थर्टी थाउज़ेंड के अंदर पूरी नहीं हो सकती ठीक है क्योंकि बहुत ज्यादा ख्वाहिशात हैं तो जब वो पूरी नहीं हो सकती जहाँ पे नहीं का वर्ड आ जाए वो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम राइज हो जाती है ठीक है जब एक एक्चुअल अमाउंट है आपके पास उस अमाउंट में आपका काम नहीं हो सक रहा तो वो आपके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आ जाते हैं ऑल राइट अब हम इसका दूसरा पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस इसीलिए इसको इकोनॉमिक्स को साइंस करार दी है और इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिस्ट एक है वो कहता है वेयर देयर इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस देयर इज़ एन इकनॉमिक यही बात मैंने अभी आपको की है जहाँ पे भी चॉइस की प्रॉब्लम हो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है ठीक है अगर आपको चॉइस कर देखें एक जगह पे ना आप फॉर एग्जाम्पल मैं को एक एग्जाम्पल देती हूँ आपके पास थर्टी थाउजेंड रुपीज़ है सैलरी है ठीक है एक बंदे की पूरे महीने की सैलरी आई है अब उस सैलरी अब उस सैलरी में से ना आपने अपने ज़रूरी खाने पीने की अशा लेकर आनी है घर में ठीक है आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अपने घर में ना सौदा वगैरह डलवाना है ठीक है जो कि आपका फ़ॉर एग्ज़ाम्पल फिफ्टीन थाउज़ेंड का आ जाएगा और अब आपके पास ना थर्टी थाउजेंड का आपको ना एक लग्जरियस प्यारा सा एक बेड मिल रहा है या मेकअप बॉक्स मिल रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है तो अब आप क्या करेंगे इन दोनों में अब आपके पास चॉइज़ आ गई है ठीक है आपने क्या चीज़ प्रेफर करनी है आपने या तो अपने घर को चलाना है ठीक है यानी कि आपने अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी करनी है या तो आपने वो लग्जरियस चीज़ लेनी है तो ये चॉइस आ जाएगी ठीक है आप एक चीज़ लोगे एक चीज़ को आप छोड़ देंगे एक चीज़ को आप छोड़ देंगे रहने देंगे अब वो जो चीज़ छोड़ देंगे ना जाहिर है आपके दिल में वो आ जाएगा हा मैंने वो चीज़ नहीं ली ठीक है तो ये इक्नॉमिक प्रॉब्लम में आ जाएगा ठीक है आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो ये इसके हमने बेसिक डेफिनेशन इकॉनॉमिक एक, जो कहा था वो पढ़े अब इसके पास है इफ़ एनी ऑफ द की पॉइंट एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम इज एबसेंट देन दे वुड बी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल इफ़ द वस आर लिमिटेड देन नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखिए अगर तो इंसान की ख्वाहिश लिमिटेड होंगी ठीक है वो जो पैसे हैं उसमें वो उसकी कोई और ख्वाहिश ना हो ठीक है बस वो कहे थर्टू थाउजेंड बहुत ज़्यादा है बस ये हमारे घर कि सौदा आ जाए पहनने के कपड़े आ जाए इन्होंने पैसे और बच भी जाए तो इसमें कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज नहीं हुई ठीक है तो फिर आपके पास कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी सिमिलरली इसी के साथ अगर हम देखें इफ़ रिसोज आर नॉट स्केयर्स ठीक है अगर तो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो पूरे नहीं हैं और जो आपकी नेसेसिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं तो जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो जाहिर बात है वो पैदा होंगी ठीक है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव स्टडी अब देखिए हमने यहाँ पे जो स्कोप है पहले पिछले लेक्चर में पढ़ा था वेदर इट टेक्स इनटू अकाउंट इंडिविजुअल एफर्ट और कलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट ठीक है ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो एक सिंगल बंदे का काम है या तो पूरे कोलेक्टिव एक ह्यूमन एफर्ट का काम है ठीक है तो ये पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है जनरली कलेक्टिव इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर बींग डिस्कस्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स दिस कलेक्टिव बिहेवियर हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक थ्योरीज एंड लॉज हैं कोलेक्टिव एफर्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ठीक है देखिए ये ना ये मसला जो है कोई भी सिर्फ एक बंदे के साथ नहीं लगा पा ठीक है हर दूसरा बंदा जो है वो इकनॉमिक प्रॉब्लम में आता है ठीक है पूरा मुल्क इस इकनॉमिक प्रॉब्लम में आता है ठीक है क्योंकि तो महंगाई का रोना पूरा मुल्क ही रो रहा होता है ठीक है तो इसीलिए इकोनॉमिक इकनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो एक पूरे मुल्क में आ रहा होता है कोई भी एक सिंगल बंदा जो है वो इसमें नहीं है तो इसीलिए जो है ये इकनॉमिक्स जो है इकनॉमिक बेशक इकोनॉमिक हो या इकनॉमिक प्रॉब्लम हो ये एक, एक, एक पूरे एक ह्यूमन एफर्ट का काम का है ठीक है पूरी पूरे ह्यूमन बींग्स का काम का है सब का काम है ये सब आते हैं इसमें तीसरा है हमने पढ़ा था कि वेदर इज़ इकोनॉमिक साइंस और एन आर्ट अब हम ये पढ़ते हैं इसका आंसर इन्होंने क्या दिया हुआ है ठीक है क्या प्रॉब्लम मीनिंग निकाला हुआ है इसमें दिया हुआ है देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग इकोनॉमिस्ट ऑन दिस मैटर हाउ एवर वी विल फर्स्ट डिस्क्राइब मीनिंग ऑफ साइंस एंड आर्ट इन्होंने कहा हुआ हर इकोनॉमिट ने अपने अपने डेफिनेशन में डिफरेंट मीनिंग बताया हुआ है ठीक है कुछ ने कहा हुआ इकोनॉमिक साइंस और कुछ ने कहा हुआ इकनॉमिक आर्ट है ठीक है तो अब नीचे इन्होंने कहा हुआ है हम लोग पहले साइंस का भी पढ़ लेते हैं उसके बाद मीनिंग ऑफ आर्ट भी पढ़ेंगे फिर इन्होंने कहा हुआ है कि हम लोग द नेचर एंड करेक्ट्रिस्टिक ऑफ इकनॉमिक लॉ भी मतलब इकनॉमिक लोशलॉजी का सॉरी ठीक है तो इन्होंने मतलब सिंपली बताया हुआ कहते हैं कुछ कहते हैं को कुछ लोगों ने जो कुछ इकनॉमिस्ट थे उन्होंने अपनी डेफिनेशन में इकनॉमिक को साइंस दिया हुआ है और कुछ ने इकोनॉमिक्स को जो है वो आर्ट का है ठीक है तो इसी तरह ये है तो बस उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी कि इकनॉमिक्स मीनिंग ऑफ साइंस बताऊँगी और मीनिंग ऑफ आर्ट्स समझाऊंगी आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है बाय बाय फिर अपना ख्याल रखिएगा और मे, मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें बाय बाय